What's up everyone, welcome back to the channel. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है. आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि ये चैप्टर नहीं हुआ, इसको करा दो. तो चलो ठीक है, छोटे से वीडियो में, आई थिंक 7-8 मिनट के वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाएगा. चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स. आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमारे काम की चीज़ है. लेट्स बिगिन. तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग, और इस चैप्टर में आप लोग मेनली दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो. एक होता है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स और एक होते हैं हमारे पास वाउचर्स. तो बेसिकली इन दोनों का अपना अपना रेलेवेंस होता है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है और दोनों के अपने अपने स्टेजेस होते हैं. आपको यह समझना है कि सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट क्या और वाउचर क्या. तो देखो यार, सोर्स डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है. मतलब कि सपोज मैं कोई एसी लेके आ रहा हूं तो सामने वाला मुझे एसी का बिल देगा ना, पहली बार एसी की रिकॉर्डिंग उस बिल में होगी तो वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा. सिमिलरली मैंने बैंक में कुछ पैसा जमा करा तो मैं एक फॉर्म भरता हूँ, उस फॉर्म को हम बोलते हैं पेइंग स्लिप. उसमें लिखना होता है, सारी डिटेल्स भरनी होती है उस ट्रांजेक्शन की, कितना पैसा मैंने बैंक में जमा करा, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया. बेसिकली जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ये ट्रांजेक्शन के लिए एविडेंस का काम करते हैं. एविडेंस यानी प्रूफ कि एक्चुअली मैंने एसी खरीदा या नहीं खरीदा, बेचा या नहीं बेचा. कैसे पता चलेगा? बिल से पता चलेगा ना. तो बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स जो पहली बार हमने मेंटेन करे हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट. अब देखो, जरूरी नहीं है कि वो हमने मेंटेन करे हो. फॉर एग्जांपल कि मैंने एसी बाय करा तो बिल तो सामने वाला मुझे काट के देगा ना कि आपने एसी, मैं तो परचेजर हूं, मैं थोड़ी ना बिल बनाऊंगा, बिल तो वो बनाएगा. तो पहला रिकॉर्ड जब भी बन रहा है तो उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोल देते हैं. ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? दीज आर द फर्स्ट रिकॉर्ड्स अबाउट डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हुई हैं उनका जो डिटेल्स हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखा होता है. कितनी क्वांटिटी है, कितना एमआरपी है, कितना डिस्काउंट है, किसको बेचा जा रहा है, उसका पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम, सारा कुछ हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं. ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. सर फिर वाउचर क्या होता है? देखो वाउचर हम लोग खुद बनाते हैं. मतलब हम लोग जितनी भी जर्नल एंट्रीज करते हैं वो वाउचर्स की मदद से करते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट हमें ये नहीं बताता कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. यहाँ पे तो बस लिख दिया कि ये सेल का बिल है, ये परचेज का बिल है, ये पर्टिकुलर कोई बैंक में पैसा जमा करा तो उसका बिल है, ये बेसिकली कोई चेक आया है तो उसका रिकॉर्ड है. तो यहाँ तो रिकॉर्ड्स हैं बस, इसका अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है. अकाउंटिंग जिसे नहीं भी आती वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट बना सकता है. बट अकाउंटिंग करने के लिए आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है. तो उस चीज को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग वाउचर्स बनाते हैं. यानी मेरे पास जो बिल्स आए हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इसकी मदद से मैं वाउचर बनाऊंगा और वाउचर में मैं क्लियरली लिखूंगा व्हाट इज बीइंग डेबिटेड एंड व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड, क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है. जब मुझे इतना पता चल जाएगा तो क्या मेरे लिए फिर जर्नल एंट्री करना आसान हो जाएगा? तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि प्रूफ का काम करता है. इसके बेसिस पे हम वाउचर्स बनाते हैं, वाउचर्स के बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. समझे? तीन चीजें हो गई. पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आया, सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर बनाया, वाउचर से फिर जर्नल बनाया. क्या है वाउचर? दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. इनके बेसिस पे बनती है एंड आर बेसिस फॉर जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज के बेसिस यही है. यानी ये बनेंगे इसकी मदद से और जर्नल बनेगी इसकी मदद से. ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट कंटेन्स द डिटेल्स. मतलब बेसिकली ये तो डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए होता है. और वाउचर क्या होता है? इट पुट एम्फेसिस ऑन व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड. क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, ये इस पे ज्यादा फोकस करता है. उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट एक्ट्स एज एन एविडेंस. सोर्स डॉक्यूमेंट का मकसद, पर्पज ही क्या होता है? एविडेंस, प्रूफ कि हाँ एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ है. और इसका कहाँ पे फोकस होता है? रिकॉर्डिंग पे, कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट. अगर देखा जाए तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक जनरल सा डॉक्यूमेंट है और वाउचर एक अकाउंटिंग का बेसिस है. वाउचर्स के बेसिस पे ही अकाउंटिंग होगी. आप चाहे डीके फॉलो करते हो, आप चाहे टीएस फॉलो करते हो, आप चाहे कोई भी बुक फॉलो करते हो, बहुत सारी अकाउंट्स की किताबें आती हैं, सब में वाउचर का फॉर्मेट बना हुआ है. अगर आप उसे देखोगे तो उसमें डेबिट और क्रेडिट पे फोकस करा गया होगा, जबकि सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा कुछ नहीं होता. सर सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल तो बताओ. लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. देखो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमारे सिलेबस में कुछ बेसिक इस तरीके की चीज़ें होती हैं. जैसे सबसे पहले कैश मेमो. सर कैश मेमो क्या होता है? अगर आप कोई भी कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बिल मिलता है ना, कैश का बिल, उसको हम लोग कैश मेमो बोलते हैं.
सर इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है अगर आपने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। अगर आप उधार पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कैश मेमो ना मिलके इनवॉइस मिलता है, उसको हम लोग उधार का बिल बोलते हैं, सही है। अब कई बार आप कैश में पेमेंट करते हो, कई बार आप नहीं करते। अगर आपने पेमेंट करा है तो आपको कैश मेमो मिलेगा, नहीं करा तो इनवॉइस, ठीक है। अब सपोज आप उधार में कुछ सामान लेके आए हो, आपको इनवॉइस मिल गया होगा, ठीक है, आपको पेमेंट तो करना ही है। दो महीने बाद आपने पेमेंट कर दिया, मैंने उधार में सामान खरीदा, दो महीने बाद मैंने पेमेंट करा, तो मुझे कुछ ना कुछ सामने वाले से रसीद तो चाहिए कि हाँ भाई पेमेंट हो गया, नहीं तो वो फिर आ जाएगा मेरे पास कि लाओ जी पैसे दे दो जबकि मैंने दे दिए। अगर मेरे पास कोई प्रूफ ना हो तो मुझे फिर से कोई ना कोई प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कोई ना कोई कि हाँ पेमेंट हो गया। तो जब भी मैं उधार पे सामान खरीदूंगा मुझे इनवॉइस मिलेगा, जब मैं उस उधार का पेमेंट करूंगा इन फ्यूचर, एक महीने बाद, दो महीने बाद, 15 दिन बाद 20 दिन बाद, तो मैं सामने वाले से एक रसीद लेता हूँ कि मुझे लिख के दे दे भाई कि हाँ ठीक है आपने पेमेंट कर दिया। उस रसीद को, जिसे हिंदी में रसीद बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। यानी आप जब भी पेमेंट करोगे उधार की ट्रांजेक्शन का तो आपको बदले में एक रिसिप्ट जरूर मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद आता है चेक। चेक आप सब जानते हैं, चेक एक ऑर्डर होता है बैंक को कि हाँ ठीक है मैंने इसको चेक दिया है तो आप मेरे अकाउंट में से इसको पैसा दे दो, उसको हम लोग चेक बोलते हैं, सबको पता ही है। चेक के बाद पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप क्या होता है? जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसके ऊपर डिटेल्स लिखनी होती है कि इस अकाउंट में कितना अमाउंट, वर्ड्स में लिखो, साइन करो डिपॉजिटर के, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप कभी जाके देखना बैंक में, उनको बोलना कि पेइंग स्लिप दे दो, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करोगे तो ही आपका पैसा डिपॉजिट होगा, उसको हम पेइंग स्लिप बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट बनता है जब आप परचेज रिटर्न करते हो, यानी आपने कोई गुड्स खरीदे थे, आप उन्हें वापस कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट नोट। जब सेल्स रिटर्न होती है, यानी बिका हुआ माल जब वापस आता है, तो उस सिनारियों में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो ऑलवेज रिमेंबर, परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट। सर इनके नाम ऐसे ही क्यों रखे गए? देखो यार मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स को माल बेचा, तो आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो एक्स डेबिट टू सेल्स। ये मैंने उधार में सामान बेचा। कैसे बेचा? उधार में। उधार में मैंने सामान बेचा तो एंट्री करी एक्स डेबिट टू सेल। सपोज एक्स ने वो माल वापस कर दिया, एक्स ने वो माल वापस कर दिया, तो हम क्या एंट्री करते हैं? हम एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स जो मेरा कस्टमर है, क्या मैंने कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करा या नहीं करा? जब सामान वापस आया तो मैंने कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करा। इसको दिखाने के लिए ही एक डॉक्यूमेंट बनता है कि हाँ कस्टमर का जो अकाउंट है हमने क्रेडिट कर दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रेडिट नोट, ठीक है। सिमिलरली जब आपने सामान फॉर एग्जांपल खरीदा, आपने सामान खरीदा उधार में, तो आप एंट्री करते हो परचेजेस डेबिट टू एक्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर आपने ये सामान वापस कर दिया तो एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसका मतलब क्या आप यहाँ पे रिटर्न के टाइम पे अपने सप्लायर को डेबिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, डेबिट कर रहे हो। तो इसको दिखाने के लिए जो हम नोट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट, ऐसा हमारे ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कितने सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे पास? कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, चेक और पेइंग स्लिप, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब चलते हैं सर कितने प्रकार के वाउचर्स हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर देयर। तो वाउचर का फोकस किस पे होता है? डेबिट और क्रेडिट पे। तो हमारे पास दो प्रकार के वाउचर होते हैं, एक तो कैश वाउचर, नाम में ही पता चल रहा है ये कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। आपने कैश में कुछ भी खरीदा कुछ भी बेचा तो कैश वाउचर बनेगा, और अगर आपने उधार में बेचा खरीदा या कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कैश की नहीं है, जैसे बैड डेट्स है, डिस्काउंट है, ऐसी ट्रांजेक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए बनता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश मतलब जिसमें हम अदर देन कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अदर देन कैश वाली ट्रांजेक्शन, ठीक है,
और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसफर वाउचर्स, इसी को हम लोग ट्रांसफर वाउचर्स भी बोलते हैं। सही है। तो वाउचर दो प्रकार के होंगे, एक कैश जिसमें आप कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे, एक नॉन कैश जिसमें आप उधार की ट्रांजेक्शन्स और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कैश में नहीं है वो सब रिकॉर्ड करोगे। कैश वाउचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर जिसमें आप मेनली पेमेंट्स पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक वाउचर बनाया, वाउचर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे डेबिट में जो फोकस होता है वो डेबिट पे होता है कि डेबिट में क्या आएगा। इस तरीके से सपोज़ आपने कोई चिंटू ने कोई गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने की वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो ये कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है तो इस पे बनेगा तो कैश वाउचर ही है ना, कैश वाउचर बनेगा। अब गाड़ी एक्चुअल में डेबिट हुई है, क्या डेबिट हुई है, गाड़ी, तो यहाँ मैं डेबिट करूँगा कार, यहाँ उसका अमाउंट वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। सही है। तो ये जो वाउचर है, पहली बात देखो गाड़ी खरीदी तो पेमेंट करा होगा ना, तो पेमेंट्स के लिए बनता है और फोकस किस पे होता है कि डेबिट क्या हो रहा है, तो ये होता है डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट के लिए। सपोज आपने गाड़ी बेच दी तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। तो इस बार देखो हमारे पास पैसा आ रहा है तो बनेगा तो कैश वाउचर ही, लेकिन उसमें क्रेडिट वाउचर बनेगा क्योंकि क्रेडिट क्या हुआ है इस बार, यहां पे जो वाउचर बनेगा यहां क्रेडिट लिखा होगा, इस बार कार क्रेडिट हो गई, ये वैल्यू आ जाएगी और यहां पे अमाउंट वाउंट लिख के टोटल आ जाएगा। तो जो हमारे पास वाउचर्स होते हैं कैश वाउचर्स, उसमें जो मेजर फोकस होता है, देखो होनी तो कैश की ट्रांजेक्शन है, तो बस या डेबिट या क्रेडिट ये बताता है। जब आपने सामान खरीदा होगा तो पैसा गया होगा ऑब्वियसली, तो हम लोग बस डेबिट वाउचर बना देते हैं, और जब सामान बेचा होगा तो पैसा आया होगा तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर बना देते हैं। जो ये ट्रांसफर वाउचर्स होते हैं, नॉन कैश वाउचर्स जो होते हैं, इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे ना अपनी बुक्स में, आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट्स बने हुए होंगे, तो इसमें डेबिट भी लिखना होता है और क्रेडिट भी लिखना होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखना होता है। कि सपोज आपने गुड सोल्ड टू चिंटू तो आप एंट्री करते हो चिंटू डेबिट टू सेल्स, तो मैं डेबिट में लिखूंगा चिंटू और क्रेडिट में लिखूंगा सेल्स। इस तरीके से ये अकाउंट्स बनते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं वाउचर बना रहा हूँ तो वाउचर में दो प्रकार के वाउचर्स होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है नॉन कैश। कैश में बस डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में मेरा पेमेंट्स वाला, क्रेडिट में रिसिप्ट वाला, और नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स में मैं दोनों चीज़ें देखता हूँ कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान सा चैप्टर है यार, कोई मुश्किल नहीं है। तुम लोग ये वीडियो देखने के साथ साथ अपनी जो भी बुक फॉलो करते हो उससे अगर रीडिंग लगा लोगे एक बार तो काम खत्म हो जाएगा। अपनी वीडियोस का यही तो फायदा है कि मैं सब कुछ तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ और तुम लोग को बस एक रीडिंग लेनी है। अगर तुम रीडिंग नहीं भी लोगे यार तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बट फिर भी रीडिंग ले लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमारी वीडियोस तो फिर तुम्हें पता ही है, एग्जाम से पहले तो बहुत ही काम आती हैं, बहुत यूजफुल चीज़ें हैं ये, तुम लोगों के लिए बनाई गई हैं बहुत मेहनत करके। तो चीज़ें इसी तरीके से क्लियर होती रहेंगी और सभी लोगों तक, सभी बच्चों तक 11th के स्पेसिफिकली शेयर करो ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ YouTube पे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, पढ़ाई भी है, पेपर में नंबर भी आ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं एंड दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली ओवर। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।